हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द डायमंड नेकलेस। आज हमारा टॉपिक है डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द मॉडर्न पीरियड। इट एक्सपोजिस द फॉली ऑफ अ यंग गर्ल हु एस्पायर्स फॉर थिंग्स एंड कम्फर्ट्स मच बियॉन्ड हर रीच। दिस क्रेज फाइनली रियूंस हर लाइफ थॉट। दिस ऑल्सो इज हर ऑन मिस्टेक। मिसेस लोइजल लॉसिस द नेकलेस विच शी कंसिडर्स टू बी रियल वाइल इट इज अ चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी। द स्टोरी इज फुल ऑफ पैथेटिक टच एंड इंस्पायर्स इन अस अ feeling of living within means. The plot is very smooth and the ending in very touching, creating pity and sympathy for the crazy Mrs. Loisel. देखिए इसमें क्या होता है, एक कहानी जो है एक मैथिल्ड जो कि एक लेडी है उसके ऊपर है। मैथिल्ड जो थी वो पेरिस में रहती थी। ओके, वो पेरिस में रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, उसके पिता क्लर्क थे। इससे मैथिल्ड के रास्ते में दो कठिनाई आएंगी। पहले उसका पति गरीब था और उसका पिता गरीब था और उसको दहेज नहीं दे सकता था। दूसरी, उसकी सिचुएशन भी कमज़ोर थी, इसलिए मैथिल्ड ने बड़े लोगों से भी नहीं मिल सकती थी। अगर वह उनसे मिल पाती तो उनमें से किसी को अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर सकती थी, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती थी और उसे एक गरीब आदमी से शादी करनी पड़ी। उसका नाम लाइसेल था। वह सार्वजनिक शिक्षा के मंत्रालय में साधारण क्लर्क था। मैथिल्ड का विवाह जीवन बहुत ही दुखपूर्ण था। वह गरीब क्लर्क की बीवी थी, इसलिए उसको अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती थी। उसे साधारण से कपड़े पहनने पड़ते थे। उसे अपना घर पसंद नहीं था। वे दीवारें बद्दी थीं, कुर्सियाँ पसंद नहीं थी, पुरानी टूटी हुई थी। उसे मतलब अपने घर की कोई भी चीज़ें पसंद नहीं थी, पोशाक, आभूषण। और उसकी गरीबी उसको बहुत दुख देती थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। द डायमंड नेकलेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द मॉडर्न पीरियड। इट एक्सपोजिस द फॉली ऑफ अ यंग गर्ल हु एस्पायर फॉर थिंग्स एंड कम्फर्ट्स मच बियॉन्ड हर रीच। दिस क्रेजी फाइनली रियूंस हर लाइफ दो हिज ऑल्सो हर ओन मिस्टेक। मिसेज लोइसल लॉसेस द नेकलेस विद शी कंसीडर्स टू बी रियल वाइल इट इज अ चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी। द स्टोरी इज फुल ऑफ पैथेटिक टच एंड इंस्पायर्स इन अस फीलिंग्स ऑफ लिविंग विद इन मीन्स। द प्लॉट इज वेरी स्मूथ एंड द एंडिंग इज वेरी टचिंग, क्रिएटिंग पिटी एंड सिंपैथी ऑफ द क्रेजी मिसेज लोइसल। देखिए क्या था, वो सोचती थी कि उसको एक अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए थी। वो अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे से पोशाक पहनना चाहती थी। वो बहुत बड़े नौकर वो चाहती थी, उस घर में बहुत सारे नौकर चाकर हों। और वह अच्छे अमीर अमीर लोगों से मिलना चाहती थी, अच्छा खाना खाना चाहती थी। और तभी उसने देखा कि उसका पति लाइसेल उसके घर आया है। उसके हाथ में किसी का इन्विटेशन लेटर है जो कि मैथिल्ड के लिए था, और वो किसी सार्वजनिक शिक्षक के मंत्री का था। पार्टी 18 जनवरी सोमवार को होने वाली थी। लाइसेल मैथिल्ड को खुश करने के लिए निमंत्रण लाया, पर वह खुश ना हुई। उसने निमंत्रण को फेंक दिया था। लाइसेल ने उसको बहुत ज़्यादा मनाया कि बड़े बड़े लोग आएंगे और मैथिल्ड को उनसे मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसके पास कपड़े और आभूषण नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। इसलिए वो जाने को तैयार भी नहीं थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने अपने पति से कहा, मैं नहीं जा सकती, इसका निमंत्रण किसी और को दे दीजिए। जो लाइसेल था उसका वो बहुत ही अच्छा पति था। वह अपने पति को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसके आंसू नहीं देख सका। और उसने क्या करा, लाइसेल के पास से थोड़ा सा धन था और उसने उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाकर दी।
देखिए जो है ही लिटरेरी कैरियर लॉन्ग इनफ फॉर लेटर द सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस एंड डाइड इन 1893। ये जो स्टोरी है शी वॉज वन ऑफ द दोज प्रेटी एंड चार्मिंग गर्ल हु इज इफ बाय अनदर डेस्टिनी आर बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स शी हैड नो डाउरी नो एक्सपेक्टेशन मीन्स ऑफ बींग नोन अंडरस्टेंड लव्ड वेडेड बाई एनी रिच and she let herself be married to a minor clerk at the minister of public instructions okay she had no fine dresses no jewels nothing and she loved nothing else she felt that she was made for that she would so have liked to please in fact to be charming and short after द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज आस्क द ओनर ऑफ मिस्टर माइम लॉसेल्स कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री मंडे इवनिंग जनवरी 18th ओके ही वॉज इन डेस्पेयर ही रिज्यूम्ड कम लेट अस सी हाउ मच वुड इट कॉस्ट अ सूटेबल ड्रेस विच यू कुड यूज ऑन अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल। मैथिल्डे ने अपनी पोशाक पहनी और गले में हीरे का हार पहना। वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी और पार्टी में चली गई। बहुत सारी सब लोगों ने उसका अट्रैक्ट और कुछ लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, कुछ ने उसके साथ डांस करने के लिए कहा। एक फिर पार्टी में जाने के बाद वह शीशे के पास जाती है और अपनी गर्दन की ओर देखती है। उसमें उसके पास हीरे का हार नहीं होता है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, चिल्लाती है कि मैंने मैडम फॉरेस्टियर का हार खो दिया। मैथिल्डा और लाइसेल दोनों हीरे का हार खोजते हैं लेकिन हार नहीं मिलता है। लाइसेल को लगता है कि हो सकता है गाड़ी में गिर गया होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सब लोग उस हार को ढूंढते हैं। मैथिल्डे को बताता है उसका हस्बैंड कि उसे हार नहीं मिला, उसने हर जगह ढूंढ लिया है और उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने दूसरा हार खरीदने का इरादा किया और वो आभूषण खरीदने वाले की दुकान पर हार खरीदने के लिए गए। देखिए फिर क्या होता है, इसमें वो हार खो जाता है और मैथिल्डे और उसके हस्बैंड दोनों उस हार को खरीदने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और किसी महाजन से 36,000 फ्रैंक लेते हैं, उधार लेते हैं। फिर उसके बाद वो उसको वापस करने के लिए उसका जो है उधार चुकता करने के लिए 10 साल तक वो लोग उसकी गुलामी करते हैं, जो कि साधारण कपड़ों में पहनकर जाती थी मैटिस्टेड। वो उसके पास उस नेकलेस का ब्याज उधार चुकाने के लिए उसके घर काम करने लगी थी। 10 साल तक वो सादा कपड़ों में सिंपल तरीके से जाती थी। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं कि 10 साल उन्होंने किस तरीके से बिताए। वो रात कितनी खुशनुमा थी जब उसने नेकलेस पहना था और सारे लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी। और फिर एक दिन वो टहलने जा रही होती है तो उसको मिस माल्टेयर मिलती हैं और वो देखती है कि जो मिशी माल्टियर थे उनके पास एक बेटा है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जबकि जो है मैथिस्टे वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी इन 10 सालों में और बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। तो ये सोचते एक छोटी सी गलती के लिए उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने 36,000 फ्रैंक उधार लिए और उनको चुकाने के लिए 10 साल तक उसने कड़ी मेहनत की। उसने और उसके पति ने किसी की गुलामी तक की। ओके मैम लॉजी लुक्ड ऑल नाउ शी हैड बिकम द वुमेन ऑफ इम्प्रोवाइज्ड हाउसहोल्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ विद फ्रॉजी हेयर स्कर्ट्स एंड रेड हैंड्स शी टॉक्ड लाउडली वाइल वॉशिंग द फ्लोर विद ग्रेट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर बट समटाइम्स व्हेन हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी सैट डाउन नियर द विंडो एंड शी थॉट ऑफ द गे इवनिंग ऑफ लॉन्ग एगो ऑफ दैट वॉल वेयर शी हैड बीन सो फेयर एंड सो फैटेड। उसका हस्बैंड और वो दोनों खिड़की विंडो के पास बैठ कर सोच रहे हैं इस चीज़ को। उसका हस्बैंड ऑफिस जाता था और वो पानी तालाब से घड़े में भरकर लाती थी। इस तरीके से उसने अपने बहुत ज़्यादा
उस खोए हुए हार की कीमत चुकाई। What would have happened if she had not lost the necklace? Who knows how strange life and how changeful. उसकी लाइफ इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा बदल गई थी। How little thing is needed to ruin or to save us. But one Sunday, having gone to take a walk in the James Ellis's to refresh herself after the labors of the week, she suddenly observed a woman who was leading a child. It was a forester. मिलती हैं उन्हें, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल फैसिनेटिंग, वो अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लाइजल वॉज मूव टू शूट शी स्पीक टू हर यस सर्टेनली एंड नाउ दैट शी हर्ड बेड शी वॉज गोइंग टू टेल हर ऑल अबाउट इट वाई नॉट सी अप्रोच्ड हर गुड डे जेनी द अदर एस्टोनिस्ट एट बींग फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय द प्लेन गुड्स गुड वाइफ डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल एंड स्टैमर्ड। ओके, तो द डायमंड नेकलेस इज द हिज स्टोरी रिवील द आर्टिफिशियल टेंडेंसीज एंड क्रेज फॉर द मटेरियलिस्टिक गेन्स बट द नेवर गोज डीप इनटू द साइकोलॉजी ऑफ हिज कैरेक्टर्स हिज केयर्स मोर फॉर सिंपल एंड वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स। द स्टोरी इज फुल ऑफ पैथेटिक टच एंड इंस्पायर्स इन अस फीलिंग ऑफ लिविंग विद इन मीन्स द प्लॉट इज वेरी स्मूथ एंड एंडिंग इज वेरी टचिंग। इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा टचिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। ओके, जरा सी एक गलती उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। एंड क्रिएटिंग पिटी एंड सिंपैथी फॉर द क्रेजी